एक और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मामला गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर कैरी मिनाती के फैंस यूट्यूब से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला देखिए। अगर आप यूट्यूबर के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो कैरी मिनाती का नाम अच्छे से जानते होंगे। कैरी मिनाती उर्फ अजय नागर को लेकर सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठ रही है। यूट्यूब से आर पार के जंग मोड में आ गए हैं कैरी के फैंस। दरअसल इन सब के पीछे है कैरी मिनाती का हाल ही में हुआ डिलीट वीडियो, जिसमें वो टिकटॉकर्स को रोस्ट कर रहे थे। YouTube वर्सेस टिकटॉक द एंड टाइटल के इस वीडियो में कैरी ने टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था। इस वीडियो ने इंडिया में अब तक आए सारे वीडियो के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। अपलोड होने के साथ ही ये वीडियो भारत का सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला वीडियो भी बन गया था, लेकिन अब ये वीडियो YouTube की ओर से डिलीट कर दिया गया है। 9 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलने के बाद इस वीडियो को गाइडलाइंस के खिलाफ मानते हुए YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। आइए सबसे पहले ये देखिए कि इस जंग की शुरुआत हुई कहां से। पिछले महीने भर से इंटरनेट पर दो कम्युनिटीज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, जिसका नाम है यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक या यूट्यूबर्स वर्सेज टिकटॉकर्स। इसकी शुरुआत एक और रोस्टिंग यूट्यूबर एल्विश यादव ने एक वीडियो के जरिए की थी। सबसे पहले एल्विश यादव ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने कुछ नामी टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, इनमें लड़कियां भी शामिल थी। उस रोस्ट के बाद कई लोगों ने एल्विश यादव को गलत ठहराया। उसके बाद कई और लोगों ने टिकटॉक कम्युनिटी को रोस्ट किया। मामला तब आगे बढ़ा जब बड़े और नामी टिकटॉकर टीम नवाब के आमिर सिद्दीकी ने एक IGTV वीडियो अपलोड किया और उसमें यूट्यूब और टिकटॉक के बीच कई बातों को लेकर तुलना की। इसमें उन्होंने कई ऐसे फैक्ट्स रख दिए जो यूट्यूबर्स और फैंस को पसंद नहीं आए। आमिर के वीडियो के बाद भारत में रोस्टिंग कल्चर लाने के लिए पहचाने जाने वाले कैरी ने अपना वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। इसमें कैरी ने गालियों का भी इस्तेमाल किया। इस वीडियो को अपलोड करते वक्त कैरी मिनाती के चैनल पर 10.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, जो कि वर्तमान में 16.5 मिलियन से अधिक हैं। इस वीडियो ने पूरे YouTube को हिला डाला। वीडियो पर 60 मिलियन से अधिक व्यूज और 10 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। इसके साथ ही ये वीडियो भारत का सबसे अधिक लाइक किए जाने वाला वीडियो बना। अपलोड होने के 5 दिन बाद YouTube ने वीडियो को ये कहकर हटा दिया कि ये उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसके बाद से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #justiceforcarrie ट्रेंड कर रहा है। कैरी मिनाती के फैंस ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब को खरी खरी सुना रहे हैं। यहां आपको बता दें कि यूट्यूब ने केवल कैरी ही नहीं बल्कि बाकी रोस्टर्स एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी के टिकटॉक रोस्ट वीडियो को भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर सही किया या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। HBN News इस खबर की पूर्ण तरीके से पुष्टि नहीं करता।